सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद बुलाया है, यानी आज और कल। इस बंद का बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है, यानी कि सरकारी बैंक 28 और 29 मार्च को बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही अपने ग्राहकों को यह जानकारी दे दी थी कि इन दो दिनों तक सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा रोडवेज, बिजली, कोयला, डिफेंस, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल कर्मचारी संगठन भी बंद में सहयोग करेंगे। चलिए आपको एक एक करके सवालों के जवाब बताते हैं कि आखिरकार ये भारत बंद किसने बुलाया है। तो ये भारत बंद बुलाया है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारियों की एसोसिएशन ने। भारत बंद का असर, बैंक यूनियन सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रेड यूनियन ने भी बंद को समर्थन दिया है। इनकी जो प्रमुख मांग है उनमें ये है कि लेबर कोड को खत्म किया जाए, हर तरह का निजीकरण रोका जाए, मनरेगा मजदूरों के लिए आवंटन बढ़ाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट किया जाए। सरकारी बैंक बंद होने का असर पूरे देश पर पड़ रहा है। इस दौरान बैंक बंद रहेंगे, एटीएम खुले रहेंगे, ट्रांसपोर्ट, बिजली, कोयला, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलीकॉम, तेल, पोस्टल जैसे विभागों में भी कामकाज प्रभावित रहने की पूरी उम्मीद है। ऑटो टैक्सी मिलने में परेशानी लोकल लेवल पर आ सकती है। इस दौरान क्या क्या खुला रहेगा वो भी जान लीजिए। ट्रेनें चलती रहेंगी, लोकल ट्रेनें, मेट्रो सेवाएं हड़ताल से अछूती रहेंगी। प्रदर्शनकारियों के ट्रैक जाम करने की पूरी उम्मीद है, इसलिए आपातकालीन सेवाएं भी थोड़ी बहुत बंद तो रहेंगी लेकिन उनमें छूट दी जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ इस बंद के खिलाफ है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि हड़ताल राजनीति से प्रेरित है और उसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ कमाना है, इसलिए वो इस बंद को समर्थन नहीं दे रहे और इस बंद में वो शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली ऐसी हड़ताल है जिसमें सरकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं जिसमें बीजेपी ने 4 राज्यों में शानदार जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई है। इस बंद का असर भारत के कई राज्यों में दिखाई देने लगा है जिसमें केरल और पश्चिम बंगाल से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेफ्ट दल और कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां भी इस बंद का समर्थन कर रही हैं। तो कुल मिलाकर इसका असर कई सेवाओं पर पड़ रहा है। इन दोनों दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।